वहीं जम्मू कश्मीर में बीते 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई है। अच्छी खासी वोटिंग होने के बाद अब कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी से मुंसिफ टीवी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस बारे में, सुनाते हैं तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में तीन फेज में असेंबली इंतखाबात होने हैं, पहला फेज हो चुका है, अब दूसरा और तीसरा फेज बचा है। प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा में डिप्टी लीडर हैं कांग्रेस की तरफ से। सर, आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप और क्या कुछ ऑब्जर्वेशन है आपके अभी तक के पहले फेज के बाद? जम्मू कश्मीर की जनता को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। परसेंटेज ऑफ वोट 70% तक पड़ा है, 60% पड़ा ही है, 80% तक गया। ये दिखाता है कि लोगों में जबरदस्त गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी, जो पहले सीधे रूल कर रही थी मुफ्ती साहब के साथ मिलकर और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम, तो उनके खिलाफ जो एंगर है, गुस्सा है, उसका प्रकटीकरण है ज़्यादा वोट पड़ना। और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री लगातार एक तो गठबंधन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हालांकि आपने कहा पीडीपी के साथ हुई आखिरी सरकार थी यहाँ पर, वो एनसी और कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस का कनेक्शन, एनसी का कनेक्शन बार बार पाकिस्तान से जोड़ते हैं और आपने यहाँ पे सवाल उठाए हैं कि जुगलबंदी उनकी है आपकी नहीं है। 1965 का कनेक्शन हमारा पाकिस्तान का है, 1971 में जब दो टुकड़े किए हमने तब का हमारा रिश्ता है पाकिस्तान से। और आपका बिन बुलाए मोदी जी आप पहुँचे थे लाहौर, जाके नवाज शरीफ की माँ के चरणों में किसने सीज झुकाया था, आईएसआई को पठानकोट में जांच करने की इजाज़त किसने दी थी, सब आपने किया। जुगलबंदी तो आपकी इतनी है कि कल आपको आना था और परसों रक्षा मंत्री पाकिस्तान का बोल रहा है और आपने लगता है कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं, हिंदी वाला पढ़ लीजिए। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जब जरूरत देश को पड़ी है आतंकवाद से लड़ा है, बलिदान दिया है देश की सीमाओं की हिफाजत की। बिल्कुल, एक चीज़ और है साहब, मैंने पहले भी पूछा था वो सवाल, वो ये है कि जो निर्दलीय हैं उनका क्या रोल रहने वाला है और पहले फेज से पहले इंजीनियर रशीद की रिहाई किस तरफ इशारा करती है? उनकी रिहाई और दूसरी बात, जिस तरह से उन्होंने कहा है हम भाजपा से जरूरत पड़ी तो मदद लेंगे, उसके बाद मेरे कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिए थे प्रमोद तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस और एनसी दोनों मिलकर के मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं और जहां तक पाकिस्तान का कनेक्शन एनसी और कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाती है बीजेपी, इनका साफ तौर पर कहना है कि असल में जुगलबंदी तो पीएम नरेंद्र मोदी की है पाकिस्तान के साथ। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ खुर्शीद रब्बानी।